हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। गाइज, आज बहुत से फ्री फायर के बारे में बहुत सी चीजें बताने वाला हूँ कि इंडियन फ्री फायर कम्युनिटीज में क्या क्या चल रहा है गाइज, लाइक कि हाँ कौन किसको क्या बोल रहा है, कौन किसको स्ट्राइक दे रहा है, आरडीएक्स भाई को कौन बंदे क्या बोल रहे हैं, सचरी है, सारी चीजें के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बताते हैं गाइज विलास भाई के बारे में, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर है। साथ ही साथ गाइज उनके चैट्स में उनको बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हाँ तुम ये यूट्यूबर तुमसे अच्छा है, वो यूट्यूबर तुमसे अच्छा है, तू नबड़े हो, वो नबड़े है, ऐसे वैसे बहुत सी सारी चीजें उनको बता रहे थे गाइज, बहुत से अनकमेंट्स कर रहे थे जो उनको पसंद नहीं आया। तो उन्होंने ये साथ ही साथ ये भी कहा गाइज कि अगर आप किसी भी बड़े यूट्यूबर को सुपर चैट्स वगैरह देते हो और उनसे कंटेंट निकालते हो तभी ऑडियंस तुम्हें सपोर्ट करेगी, बाकी अगर आप कोई अच्छा कंटेंट डालते हो तो आपको ऑडियंस नहीं सपोर्ट करेगी। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं उन्हीं की क्लिप की तरह, ये उनका क्लिप है तो हम लाइव स्ट्रीमिंग का उनका क्लिप है तो देख लेते हैं, एक नजर उस पर डालते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर से भाई चैट पे तो अलग ही सीन है ना भाई, सब बोलते रहते हैं भाई तेरे से बेटर है, तेरे से बेटर वो है, तो वो और बुरा लगता है। ठीक है ना, बेटर की बात नहीं, सब अच्छे खेलते हैं, वो बेटर है हमसे, आपको बताएं, रखो अपने पास, आप उसको प्यार करते हो, आप उसके साथ मतलब उसको आप आइडल मानते हो, मानो, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब उसके नीचे, ऐसा नहीं ना भाई। मान लो आप किसी धोनी को आप फॉलो करते हो और क्या आप बोलोगे कि विराट कोहली नूब है भाई, खेलना नहीं आता उसको, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना भाई, विराट कोहली अच्छा खेलता, वो भी अच्छा खेलता, वो उसके फैंस अलग बोलेंगे, उसके फैंस बोलेंगे कि हाँ विराट कोहली अच्छा खेलता है, सबका आइडल अलग अलग होता है। मेन बात है सबको अच्छा गेम प्ले दिखाओगे तो कोई तुमको भाव भी नहीं देगा, लिख के अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो फैक्ट्री फाइट करो, ठीक है, फैक्ट्री फाइट करो, उसको कमेंट्री डालो और अच्छा सा एक थोड़ा लगाओ अपना, या फिर बड़ा यूट्यूबर को सुपर चैट देके बड़ा वाला थोड़ा लगा के थंबनेल में डाल दो, फ्रैंक विद दिस, प्लीज फ्रैंक विद दैट, बस व्यूज मिलियंस, समझ लो, दिस इज कॉल सपोर्ट गाइस, फैक्ट्री फाइट गिव अवे गाइस, गिव अवे, ये है भाई, ये है ओरिजिनल बात। तो इस कमेंट्स पे आपका क्या कमेंट्स है गाइस, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ गाइस। आप रॉकी एंड आरडीएक्स भाई को तो सभी जानते हैं, वो अपने चैनल पे टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं गाइस, और ऑडियंस को उनको बहुत अच्छा प्यार मिलता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्यार मिलता है, उनको रिस्पांस मिलता है, पर बहुत से बंदे उनको कमेंट्स करके बोल रहे हैं कि तू टोटल गेमिंग का दलाल है वगैरह, ऐसे बहुत से ऐसे अनकमेंट्स कर रहे थे गाइस जो उनको पसंद नहीं आया। तो उन्होंने फिर कुछ अपने ऑडियंस से उनसे फिर उन्होंने कुछ कहा, तो चलिए देखते हैं, एक नजर उनकी क्लिप पे देख लेते हैं। एक बंदा लिख रहा है रॉकी भाई टीजी का दलाल, ब्रो टीजी तो यहाँ खेल भी नहीं रही है और मैंने टीजी की बात ही नहीं की है। आई अंडरस्टैंड आपको 50 रुपए मिलते हैं दिहाड़ी के रोज स्पैम करने के, बट ब्रो स्पैम भी तो देख के किया करो, आज टीजी नहीं खेल रही है, गलत जगह स्पैम करने आए हो, मैंने टीजी का नाम ही नहीं लिया है। मेरा क्या लेना देना भाई, टोटल गेमिंग तो आज खेल भी नहीं रही है। Someone is saying रॉकी भाई टीजी का दलाल, ब्रो टीजी तो खेल भी नहीं रही, मैंने नाम ही नहीं लिया है टीजी का। कमाल करते हो गुरु। चलो तो अब बढ़ते हैं गाइज अगले स्टोरी की तरफ से। अगला स्टोरी टोटल गेमिंग का है गाइज, जो कि अज्जू भाई ने किसी स्वयं गेमिंग नाम के बंदे को, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर है गाइज, तो उस बंदे ने अज्जू भाई के बारे में बहुत सा गलत चीज़ें बताता है, तो उन्होंने उसको वार्निंग दी है कि वो उसको स्ट्राइक दे सकते हैं। तो उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीमिंग में कल के क्या कहा है, तो चलिए उनका एक क्लिप देख लेते हैं गाइज। वो तो पता नहीं, मैंने एक दो वीडियो उसके देखे, इतना झूठ मेरे बारे में बताया ना, मेरे को कभी कभी लगता है इतना झूठ पे मैं स्ट्राइक भी दे सकता हूँ, बता है जो भाई रिसर्च किए बिना यार कुछ भी करता है, ये उन्हीं पब्लिक में है मेरे ख्याल नहीं से। उसको टीम को बोल के ना, मेरे को उनसे टीम को बोल के मैसेज कर दो, ईमेल कर दो उनको कि ये फालतू चीज ना करे, क्योंकि अगर उनको चीजें पता नहीं है तो वीडियो ही मत बनाओ, ये सीन है ना, मेरी इन्फॉर्मेशन आधे से ज्यादा गलत है भाई, ये सीन है भाई, आधे से ज्यादा नहीं 90% 10% सच होगा, उसमें कोई झूठ नहीं। गाइज अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करिए ताकि हमारे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचता रहे। थैंक यू।